अच्छे अच्छों की ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। जिन 80 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार 5 किलो अनाज देने की बात कह रही है, उन 80 करोड़ लोगों के बच्चों का क्या होगा? और इस देश का जो तानाशाह अपने आप को सब कुछ समझ रहा है, वो मोदी जैसा तानाशाह भी घुटनों पर आ जाता है। तीन उदाहरण बताता हूं, इसको समझ जाओगे। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां मुस्लिम समाज की, वो जिंदा थी, लड़के दिखाया, सरकार की औकात नहीं कि लागू कर पाए। आज भी बीजेपी को जिस दिन लगेगा हम इतना बड़ा खतरा उनके लिए हो गए हैं, उस दिन गोली मार देगी, मुझे मालूम है। जिस दिन आपने धरना छोड़ दिया, सरकार मैदान छोड़कर उसी दिन भाग जाएगी, उसी दिन। शिक्षा नीति में शिक्षा को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा, निजी हाथों में। और निजी हाथों का मतलब आप समझते हैं कि फीस उसकी इतनी बढ़ जाएगी, ये जितने यहां बैठे हैं इनकी तो बात ही छोड़ो, अच्छे अच्छों की ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। सरकार सारे अधिकार दे रही है, अपना स्कूल खोलो भाई और अपनी फीस अपनी मर्जी से निश्चित करो। तो जिन लोगों के पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, जिन 80 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार 5 किलो अनाज देने की बात कह रही है, ये मानते हुए कि इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, उन 80 करोड़ लोगों के बच्चों का क्या होगा? कहां जाएंगे उनके बच्चे पढ़ने के लिए? क्या पढ़ पाएंगे जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा? तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। अंतर आप इसको ऐसे समझो कि प्राइवेट होने से क्या होता है, आप प्राइवेट दुकान पर जाओगे तो प्राइवेट दुकान पर अपना मुनाफा लेके सामान आपको देगा, देता है नहीं देता? और जब वही सामान आप राशन की दुकान से लेने जाते हो तो राशन पे कितनी सस्ती मिलती है आपको, वो चीज मिलती नहीं मिलती है? यही है सरकारी और प्राइवेट में अंतर। जो चीनी आपको प्राइवेट में 40 रुपए, 45 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो मिलती है, सरकारी दुकान पर वही चीनी आपको 17 रुपए में मिलती है। यह है स्थिति। इसलिए इस देश में सरकारी स्कूलों का होना, सरकारी अस्पतालों का होना निहायत जरूरी है, लेकिन सरकार आपसे ये सारी चीजें छीन रही है। और वो छीन क्यों पा रही है? क्योंकि इस देश में मुर्दों की संख्या ज्यादा हो गई है। मुर्दे जो बोलते नहीं, मुर्दे जिन्हें केवल आप कब्रिस्तान में दफन कर सकते हो, शमशान में चला सकते हो, जिनसे आवाज नहीं निकलती, इसीलिए सरकारें ये सब कर पा रही है। और जब ये मुर्दे बोलते हैं, जब इन मुर्दों में जान आ जाती है, तो सरकार घुटने पर आ जाती है। और इस देश का जो तानाशाह अपने आप को सब कुछ समझ रहा है, वो मोदी जैसा तानाशाह भी घुटनों पर आ जाता है। तीन उदाहरण बताता हूं, इसको समझ जाओगे। सीएनआरसी का आंदोलन चला, सबने लड़ा, इस देश के मुस्लिम समाज की माताओं ने, बहनों ने, मेरी बच्चियों ने, बेटियों ने पूरी ताकत से वो लड़ाई लड़ी। मैंने पूरे देश में उस लड़ाई में मैं साथ रहा, मुझे हर जगह की बात मालूम, हर जगह किस तरह से लड़ाई लड़ी, बिहार में, कर्नाटक में, मुझे सुनने के लिए 25-25, 30-30 हजार महिलाएं रात को 10-10, 11-11 बजे तक मीटिंग्स में रहती, इस तरह से काम किया। और मेरी उन्हीं माताओं और बहनों की ताकत थी कि सरकार घुटनों पर आई, सीएनआरसी का कानून पास करवा लिया सरकार ने, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, राष्ट्रपति के साइन भी करवा लिए, और गजट में नोटिफिकेशन होता है वो भी कर लिया। लेकिन इस देश के सबसे बड़े तानाशाह की इतनी औकात नहीं है, उसके गुर्दे में इतना दम नहीं है कि आज भी उसे लागू कर पाए। करवा लिए पास, लागू करने की हिम्मत नहीं है। किसकी ताकत थी? उनकी जो जिंदा थे। और वो कौन थे? मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां मुस्लिम समाज की, वो जिंदा थी, लड़के दिखाया, सरकार की औकात नहीं कि लागू कर पाए। आज भी यह है जिंदा होने का सबूत, और यह है जिंदे लोगों की ताकत। और इसी के साथ साथ
बहुजन समाज के लोगों ने, आप जिन सीधे शब्दों में कहते हो दलित समाज के लोगों ने, जब एससी एसटी कानून में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया, सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया, तो दलित समाज के नौजवान लोग लड़े और इतनी मजबूती से लड़े 2018 को कि एक ही दिन में बिना किसी लीडर के नेतृत्व के, बिना किसी की मदद के अपने दम पर समाज लड़ा और झुकाया सुप्रीम कोर्ट को भी और झुकाया केंद्र सरकार को, दोनों झुके। सुप्रीम कोर्ट ने भी दूसरी बेंच बना के कानून में बदलाव किया, फिर से जैसा था वैसे ही बनाया, और सरकार ने भी संसद में मिला के बदलाव किया। यह है जिंदों की ताकत। कितने से लोग तो जुड़े, कोई बात नहीं, अगर हमारे समाज के 16 नौजवान बच्चे शहीद हुए, क्या दिक्कत है? बिना दिए हुए कुछ मिलता नहीं, बिना कुर्बानी के कभी किसी को मिलता नहीं, आज तक मिला नहीं, आगे भी मिलेगा नहीं। हम भी जिंदा रहने वाले हैं, हमें भी एक दिन गोली मारी जाएगी, ये मालूम है हमें। बीजेपी को जिस दिन लगेगा हम इतना बड़ा खतरा उनके लिए हो गए हैं, उस दिन गोली मार देगी, मुझे मालूम है। लेकिन इस बात से मैं घबराता नहीं, ये तो सब चलता है। जब आप संघर्ष करते हैं, कुर्बानी देनी ही पड़ती है, और लड़ाइयां और संघर्ष और बदलाव जो होता है वो कायरों के लिए नहीं है, वो इस देश के जो शेर हैं उनके लिए। ये जो संघर्ष करते हैं वो बहादुरों का काम है, शेरों का काम है, वो कायरों का काम नहीं है। कायर तो घर में बैठे रहते हैं, दुबके बैठे रहते हैं, लेकिन उन कायरों की रक्षा करने का काम भी वही बहादुर और वो शेर करते हैं। तो जो लोग बहादुर हैं, जो शेर हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं और आखिर तक लड़ते रहेंगे साथियों। लड़ना पड़ेगा साथियों। आज भी हम यहां तक अगर पहुंचे हैं तो वो लड़कर ही पहुंचे हैं। हम बिना लड़े आज तक हमें कुछ मिला नहीं। तो इसलिए साथियों संघर्ष हमको करना पड़ेगा। और अब एक तीसरा उदाहरण देता हूं कि जो तानाशाह सरकार किस तरह से झुकी, वो किस तरह से घुटनों पर आई, वो है किसान आंदोलन। आप सबने देखा किसान आंदोलन, देश में 13 महीने किसान आंदोलन चला। हम कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर उस आंदोलन में रहे। FIR भी हुई, मेरे खिलाफ भी मुकदमा हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं। और मैंने अपने किसान भाइयों से कहा किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारे मुकदमे मैं लड़ूंगा, फिर ही लड़ूंगा, और दावा करता हूं कि किसी एक की भी सजा होने नहीं दूंगा। आज तक पुलिस बुलाती रही, हम कहीं नहीं गए, हमने पुलिस को कह दिया, लिख के दिया बाकायदा, पुलिस को पूछताछ करनी है यहां आ जाए आंदोलन में, हम नहीं जाएंगे उसके पास में। न पुलिस आई, न हमारे किसी साथी का भी कोई बाल बांका कर पाए। और 13 महीने बाद, हालांकि मैंने इसकी घोषणा इससे 9 महीने पहले ही, जब रुद्रपुर में बहुत बड़ी किसान रैली हुई थी, उसी किसान रैली में मैंने कहा था कि सरकार की इतनी औकात नहीं है कि किसी कानून वापस न ले, उसे लेने ही पड़ेंगे। और 13 महीने बाद सरकार ने कानून वापस लिए। अगर आप लड़ोगे आपको आपका हक मिलेगा। और वर्तमान में जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डर का फायदा उठा रही है। जिस दिन आपने डरना छोड़ दिया, सरकार मैदान छोड़कर उसी दिन भाग जाएगी, उसी दिन। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ध्यान रखना, 2024 के चुनाव में अगर ये चुनाव ईवीएम से हुआ तो आप बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकते। और अगर बीजेपी सत्ता में 2024 के चुनाव में आई, उसके बाद उस देश में कुछ बचेगा नहीं। चुनाव बंद, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म। आज जो आप ये घूम लेते हो ना, आज जो आप जो भी कुछ बोल लेते हो, कहीं भी आ जाते हो, कुछ भी कर लेते हो, सब बंद हो जाएगा। ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये संविधान की ताकत है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। ये संविधान की ताकत है कि तुम सरकार के खिलाफ बोल भी पाते हो। इसलिए इस संविधान को बचाना और इस लोकतंत्र को बचाना और इस देश को, समाज को बचाना, उसके लिए
संघर्ष करना ही पड़ेगा साथी। और इसीलिए हमने सुंदर नगरी से अपनी पार्टी की शुरुआत करी है, दिल्ली। आप कहोगे सुंदर नगरी से ही क्यों? मैं तो यही कहूंगा कि सुंदर नगरी ही इस दिल्ली का इतिहास रचती है। सलीमपुरिया साहब कहा, सिलमपुरिया साहब भाई आप ही सारे तो लोग थे जिन्होंने यहां इस देश में जो सबसे बड़ा जो झूठा है उसके बाद में तो दूसरे नंबर का झूठा है छोटा रिचार्ज केजरीवाल, उसको तुम्हें तो बना के भेजा भाई, सुंदर नगरी के तो लोग हो। और सुंदर नगरी जैसी पहले थी मैं समझता हूं उससे बेहतर तो नहीं हुई है, बुरी हो सकती है। लेकिन जो लोग यहां से सत्ता में पहुंच के जिनको आपने सत्ता में भेज दिया, आज उनकी क्या स्थिति है? आज उनकी स्थिति यह है कि आपसे सीधे वो बात भी नहीं करते। और वही केजरीवाल है जिसने अनुसूचित जाति यानी एससी समाज का 50,000 करोड़ रुपया गबन कर रखा है। 50,000 करोड़ ताली बजा रहे इस बात पर भी गबन कर रखा है, इस पर ताली बजा रहा हो? अब इस पर तो शर्म करनी चाहिए।